एससी मैट्रिक्स का डीडीयू यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन है और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री का रह गया है जो कि हम आज कराने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके लिए जो कि आपने थंबनेल में ज़रूर ही देखा होगा। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं, जो बायो और एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए भी होगा। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन कल भी होंगे और परसों भी, जब तक ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक होते रहेंगे। और जब हो जाएंगे उसके बाद होना बंद हो जाएंगे। तो मैथ्स वालों के लिए और बायो और एग्रीकल्चर, ये तीनों के लिए है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि सॉल्व करना। यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे और 100 तक है, 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में है आज। और तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पहले कि फॉर द रिएक्शन H2+I2 इज इक्वल टू 2HI, तो इसमें KC और KP पूछा गया है। तो उसमें ऑप्शन ABCD दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, KC इज इक्वल टू KP। मीन्स यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं और दोनों इक्वलाइज कर रहे हैं, सीधा से यही मतलब होता है और ज़्यादा इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोलोइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर बोथ लिक्विड इज नॉन एज, देखिए लास्ट टाइम पे हमने हिंदी में सारा का सारा पढ़ाया था, तो बच्चों ने बोला कि इंग्लिश में कराने को, तो इस बार प्योर इंग्लिश में हम हिंदी का नाम नहीं ले रहे। तो ये जो 82 का आंसर है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखिएगा और उसके बाद मे बी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, क्योंकि ये पुराने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A+B गिव्स रिएक्शन 3C+D, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। मीन्स इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। मीन्स रेट ऑफ डिग्रेडेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जब ये रेट ऑफ रिएक्शन, जब अगर हम एक तरफ रिएक्टेंट ये होते हैं और एक ये साइड का प्रोडक्ट होता है, मतलब ग्रीन कलर से जो हमारा है वो रिएक्टेंट और ये इधर ऑरेंज कलर से हमने किया जो प्रोडक्ट का है। मीन्स जब भी हमारा रिएक्टेंट घटेगा, मीन्स जब भी ये रिएक्शन होगी तो हमेशा हमेशा हमारा जो रिएक्टेंट है वो घटेगा। मतलब अगर इस 2A की बात करें तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये माइनस का 1/2A हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही घटेगा तो इसलिए माइनस लगाएंगे। और इसमें बी के वाले के ऑप्शन के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो इसका -1B/nothing, यहाँ पे कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो नहीं होगा। और ऐसे ही 3C वाले में ये प्रोडक्ट रहेगा, तो प्रोडक्ट घट नहीं रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये तो प्लस के लिए रहेगा। और जब प्लस के लिए रहेगा तो इसका प्लस का 1/3C हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखें डी ऑप्शन के लिए, मतलब डी जो बना हुआ है तो वो भी फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो इसका प्लस का d/dt ऐसे करके आंसर हो जाएगा। तो इसमें से बताना है हमको कि कौन सा गलत है और बाकी 3 सही आंसर हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए के बारे में, ऑप्शन ए हमारा सही है, मीन्स इसका आंसर ये नहीं है, ये सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अगर बात करें बी ऑप्शन की तो यहाँ पर के और 2 कोएफिशिएंट का नीचे आया हुआ और ये रिएक्टेंट साइड है, मतलब ये घट रहा है तो माइनस में है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है बट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। और हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है कि इसका बी का कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद भी यहाँ पे इन्होंने कोएफिशिएंट में 3 लगा रखा है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, मॉलिकुलर वेट, नन ऑफ दिस। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। मीन्स इनमें से कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो डिफाइन होती है नंबर ऑफ बैलेंसीज पर। मीन्स अगर उस कैटलिस्ट के अंदर कितनी बैलेंसीज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना स्टेबल है और कितनी फास्ट रिएक्शन या कितना स्लो रिएक्शन करा सकता है, ये उसकी बैलेंसी पर डिपेंड करेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स आर लेस देन दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दे आर सेड टू शो। और यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ऑप्शन सेकंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, सी पॉजिटिव डेविएशन
फॉर लोअर कंसंट्रेशन एंड नेगेटिव डेविएशन फॉर हाई कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर अ स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज द फ्री इनर्जी चेंज इज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इन क्वेश्चंस को आपको एकदम ध्यान से पढ़ के जाना है, मे बी एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज डिफाइंड एज द पीएच एट विच। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मे बी 99% आपको एज इट इज़ एग्जाम में मिल सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का डी ऑप्शन है। ज्यूटर हैज़ नो, ज्यूटर आयन हैज़ नो चार्ज, मीन्स इस कंपाउंड के ऊपर जीरो चार्ज होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सूट की डिफेक्ट डिफाइंस इम्परफेक्शन इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ है। तो देखिए ये जो सूट की डिफेक्ट, इससे काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा ही गया है कि जो सूट की डिफेक्ट इम्परफेक्शन है वो किस फेज के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए या प्लाज्मा के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बट इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके और पूछे जा सकते हैं, कुछ वो क्वेश्चन इस प्रकार के हो सकते हैं। सूट की डिफेक्ट जब होता है तो उसकी डेंसिटी घटती है या बढ़ती है। तो मैं बता दूं कि जब भी सूट की डिफेक्ट होता है इसमें डेंसिटी हमेशा घटती है, हमेशा डेंसिटी घटती है। अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ना तो डेंसिटी घटती है ना ही बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सूट की और फ्रैंकल डिफेक्ट से आता है। और इससे जो एक और क्वेश्चन आ सकता है, देखो होता क्या है कि मान लो ये कोई एक मेटल आयन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिफेक्ट्स हैं, छोटी छोटी डिफिशेंसीज हैं। मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। सॉरी सीपीएड बिगड़ गया। हाँ अभी हाँ ये हैं, मान लीजिए ऐसे ही छोटे बड़े जैसे भी बन रहे हैं, ठीक है। तो सूट की डिफेक्ट में क्या होता है, मान लीजिए ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, ऐसे करके नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके, रेड वाला नेगेटिव है और कोई भी पॉजिटिव मान लीजिए, और उसके बाद हाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसी तरीके से। तो सूट की डिफेक्ट में होता क्या है, जब भी अगर कोई एक आयन, कोई भी आयन इस पूरे लैटिस में से निकलेगा, मान लो ये नेगेटिव वाला निकलेगा बाहर को किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव आयन भी बाहर निकल जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। अब देखो दो यहाँ से आयन बाहर निकले हैं तो डेंसिटी ऑब्वियस ही बात है वो घट जाएगी। लेकिन हम यही बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई भी आयन बाहर गया तो क्या होगा, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन बाहर ना जा करके इन वैकेंट साइट्स में आकर के फिल हो जाता है, जिससे हुआ क्या, देखो सूट की डिफेक्ट में आयन बाहर जा रहा था बट फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन बाहर ना जा करके ये जो वैकेंट स्पेसेस है इसके अंदर कवर हो जाते हैं, मीन्स उसी लैटिस के अंदर हैं, तो ना ही कोई डेंसिटी घटती है ना ही कोई डेंसिटी बढ़ती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। और हम इस क्वेश्चन पर टिक करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज। यहाँ पे क्रोमियम की रिएक्शन दी गई Cr2O7 टू माइनस प्लस 14 एच प्लस प्लस एनी डैश करके 2 क्रोमियम प्लस 3 और 7H2। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक अच्छा सा तरीका है। देखो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन अगर हम इस क्रोमियम का निकालेंगे तो प्लस 6 आएगा, ठीक है, प्लस 6 क्रोमियम का आएगा। और यहाँ पे ये जा किधर रहा है, प्लस 3 ऑक्सीडेशन साइड की तरफ जा रहा है। हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो प्लस 6 से प्लस 3 की तरफ जा रहा है। और हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं और, ठीक है, 2 क्रोमियम के यहाँ पे एलिमेंट हैं और एक क्रोमियम का एलिमेंट प्लस 3 लेता है इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 कितने लेंगे, 1 3 लेते हैं और 2 कितने लेंगे, तो सीधी सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ठीक है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। OF2 का ऑक्सीडेशन निकालना नंबर बहुत ईजी हो, आपको सबको पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 91,
द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एन ओ एफ एंड पी आर वेरी इन द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पूछा गया है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आपको सबको ही पता होगा, एफ ओ एन सी एल मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर क्लोरीन करके होता है। देखेंगे सबसे पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 92। हाँ, ये 92 क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़िए, रीड आउट करिए और उसके बाद इसका जो भी राइट आंसर है उसका कमेंट करके हमें डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आपके लिए जो आपको खुद से ही सॉल्व करना है, उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो ये 92 क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया द कंपाउंड हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे पूछा गया ये जो भी चार कंपाउंड दिए गए इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे जो कंपाउंड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी H2S। H2S का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे छोटा होगा। अगर आप देखो ये सब क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करने वाले हैं, अब आपको हर क्वेश्चन का एक एक्यूरेट रीज़न नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, साल भर आपको पढ़ना था उस टाइम में आपने नहीं पढ़ाया, अभी नेक्स्ट टाइम अभी आपको अच्छे से क्लासेज आप करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओगे कि किसका आंसर क्या है और क्यों है। तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल, मीन्स ये जो चार हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं डायमंड ग्रेफाइट बेंजीन एंड कार्बन, इनमें से किसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल का जो शेप है वो कार्बन का होता है, ठीक है, और जो बाकी तीन बचे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहला ये जो डायमंड है, अभी देखो कार्बन का पूछा गया है इस बार, तो क्या पता आपको अगली बार डायमंड का पूछे, बेंजीन का पूछे, तो ग्रेफाइट का पूछे, तो हमें इन चारों का याद होना चाहिए। कार्बन का पता है आपको टेट्राहेड्रल है, और डायमंड का मैं बता दूँ रोम्बस होता है, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, कल के लिए परसों के लिए आपको काम आ सकता है। बेंजीन का हेक्सागोनल होता है, ग्रेफाइट का भी हेक्सागोनल ही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई, मतलब एक NaCl का क्रिस्टल है उसमें सोडियम NaCl के कितने आयनों से घिरा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्लोराइड आयन से, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल बना करके 6 क्लोराइड आयन से सोडियम घिरा होगा NaCl के कंपाउंड में। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सभी को पता होगा, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये तीन जो बचे हुए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तीन वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी देख लेना, क्या पता इस बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया और नेक्स्ट टाइम आपके अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछ करके इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दे और इनमें से ही सही होगा, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया BF3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो BF3 सिंपल सी बात है सभी को पता है, लुईस बीज का एग्जांपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा इज़ मतलब यहाँ पे बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है, तो इसका होता है NaCO3 और Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम वॉशिंग सोडा होता है। और हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंजेस ड्यूरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कौन से रिएक्शन में कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन, मतलब sp2 है तो sp3 हो जाए, sp3 है तो sp2 हो जाए, कौन से रिएक्शन में चेंज पार्टिसिपेट करता है और चेंज करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और अब मैंने कहा था एक और क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन को करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा वहाँ पे आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सभी का होगा, तो आप केमिस्ट्री वाले पे ही क्लिक करना तो आपको ये वाली PDF मिल जाएगी और आप इजीली उसे डाउनलोड कर पाओगे। और ये वीडियो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनको कल से बायोलॉजी का भी आज भी सीरीज आया था और कल भी आएगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता वो आएगा, और जैसे ही ये DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं
बायोलॉजी के लिए, और उसके बाद जो बीएससी एग्रीकल्चर आईसीआर करके फॉर्म आता है उसकी हम एकदम धुआंधार टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। मीन्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन, और एग्ज़ाम होने तक आपके 1 से 1.5 हज़ार क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और उसके बाद उन्हीं में से मे बी 50% 60% क्वेश्चन आपको मैचिंग के मिल जाएँ और आपका पेपर एकदम अच्छा जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को अगर नया है तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।